सबसे पहले सिख श्रद्धालुओं को एक बड़ा तोहफा मिला है। 20 महीने बाद आज से करतारपुर कॉरिडोर खुल जाएगा। 1500 तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान जाएगा। पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। तो आज से खुल जाएगा करतारपुर कॉरिडोर। 1500 तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान जाएगा। सिख श्रद्धालुओं को एक बड़ा तोहफा आज मिला है। तो बता दें आपको, गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले ये करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है। इसी दिन से करतारपुर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा और इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने ट्वीट के जरिए की है, दी है ये जानकारी। और पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे और तकरीबन कुल 1500 लोगों को वीजा जारी की जाएगी। गुरु पर्व से पहले सिख श्रद्धालुओं को एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की घोषणा की गई और जानकारी दे दें कि इसी दिन से करतारपुर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। तकरीबन 1500 लोगों का जत्था करतारपुर जाएगा। पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे और इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि देश 19 नवंबर को गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने के फैसले से पूरे देश में आनंद और उत्साह को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो 20 महीने बाद आज से करतारपुर कॉरिडोर फिर से खुलने जा रहा है और वाकई में सिख श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा तोहफा